हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज E24। तो देखिए, ये वीडियो किन टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है ये तो आप लोग पहले ही थंबनेल में देख ही लिए होंगे। तो ये वीडियो बेसिकली इंपॉर्टेंट होने वाला है जितने भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के स्टूडेंट हैं, जिनका भी रिजल्ट आता है, जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, वो अपना कॉपी देखना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। या जो भी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं ऐसे हैं जिनको कैरी लग गया है या किसी प्रकार से कम नंबर आ गया है और वो अपने कॉपी में अच्छे लिखे हुए थे, तो दोस्तों वो अपना नंबर कैसे बढ़ पाए ये वीडियो में हम ये भी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के भी शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके तहत आप लोग जो भी यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि RTI हम करें कैसे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पे देख ही रहे हैं कि RTI कैसे करना है, तो देखिए RTI करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। उससे पहले भी आपको क्या करना है कि RTI फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे अभी दिखाई देता होगा। या आप लोग क्या करिए कि जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करिए, मैं आपको RTI फॉर्म भेज दूंगा। और उसको किस प्रकार से भरना ये मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रोसेस जान लेते हैं, उसके बाद फॉर्म को कैसे भरना ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले RTI फॉर्म को ले लेना है और उसको अच्छे से भर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यूनिवर्सिटी में जाना है और आपको मात्र RTI का फीस जो होता है वो 10 रुपीज वो लगने वाला है। उसके साथ आपके जो भी सेमेस्टर के जो मार्कशीट है उसको लगा देना है, और उस RTI में जो भी सेमेस्टर या किसी चीज़ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जिससे रिलेटेड वो आपको लिखना है। आपको बिल्कुल 5 से 10 दिन के अंदर आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों पहले क्या करना पड़ता था कि पहले आप लोग RTI करते थे, उसके बाद आप लोगों को 10 या 15 दिन के बाद फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ता था, वहाँ पे आपको कॉपी मिलता था, वहीं पे आप लोग देख सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब आपको क्या किया जाता है कि 10 से 12 दिन के अंदर आपको ईमेल पे ईमेल कर दिया जाएगा कॉपी, आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए, जो स्टूडेंट BTech के हो या डिप्लोमा या किसी भी ट्रेड से रिलेटेड हो, ठीक है, जिनका भी हाल ही में रिजल्ट आया हो, या हो सकता है कि जो पहले के स्टूडेंट हो या आगे भी जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिनका भी रिजल्ट क्या करते हैं कि अपना कॉपी देखना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल RTI करके देख सकते हैं। अब देखिए RTI करेंगे तो आपको बिल्कुल कॉपी ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग मैच कर सकते हैं कि कितना नंबर आपको आ रहा है या कितना नंबर आपके जो मार्क्स रिजल्ट में आए हैं उससे मैच कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों अगर कॉपी में आप लोग ज़्यादा लिखे हुए हैं और आपको कम नंबर दिया गया, तो आप लोग बिल्कुल इसके बाद क्या कर सकते हैं कि कॉपी को रीचेक के लिए भेज सकते हैं। अब देखिए इसमें से भी 2 टाइप का होता है, एक होता है इवोल्यूशन और एक होता है रिवोल्यूशन, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए एक क्या होता है कि अगर आप लोग इवोल्यूशन अगर आप लोग करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बस आपके जो मार्क्स हैं उसे ही काउंट किया जाएगा। और रिवोल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा कि फिर से आपके कॉपी चेक किए जाएंगे, उसके बाद मार्क्स आपको फिर से चढ़ाया जाएगा। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। अब देखिए दोस्तों हो सकता है इस दोनों में अगर कन्फ्यूजन अगर आपके पास है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, या दोस्तों आप लोग गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि दोनों का मीनिंग क्या है। तो देखिए ये तो हो गया, तो आप लोग यही करके कॉपी रीचेक के लिए फिर से भेज देंगे। इसके देखिए फीस करीबन 500 से 600 के अप्रोक्स आपको लगेंगे। उसके बाद आप लोग को फिर से कॉपी रीचेक करने के बाद अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आपको फिर से क्या किया जाएगा, न्यू रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कितने नंबर वाले का यहाँ पे चांस है कि आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों देखिए 25 मार्क्स पासिंग होता है, अगर आप सभी का 18 मार्क्स भी है, ठीक है, मिनिमम अगर 15 मार्क्स भी आ रहा है और आप लोग अगर अच्छे कॉपी में लिखे हुए पर मार्क्स अच्छा नहीं आ पाया, 15 ही आया, तो आप लोग RTI के थ्रू कॉपी देख के RTI कर सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर तक बढ़ता है। और ये मेरा एक दोस्त करवाया था, उसका 10 नंबर अप्रोक्स बढ़ा था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जान चुके हैं RTI कैसे करना है। अब RTI फॉर्म कैसा होता है, कैसे भरना है, चलिए ये हम लोग स्क्रीन पे चल के देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबमिट इट एट काउंटर एंड पे फी, मात्र आपको 10 रुपया लगने वाला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पे रसीद दिया जाएगा, ठीक है, जिसको आपको क्या करना है कि सुरक्षित रख लेना है। अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसी का यूज पड़ने वाला है आगे। अब बात करते हैं RTI फॉर्म को कैसे भरना है, तो देख सकते हैं यही आपका RTI फॉर्म है। इसे अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। यहाँ सारा आपको आवेदक का नाम यहाँ पे पूरा पता लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मांगी गई सूचना का ब्यौरा, तो आपको क्या करना है कि ये संक्षिप्त में लिखना है, ठीक है, बहुत बड़ा मत लिखिएगा, क्योंकि आपका बस यहाँ पे जिस सब्जेक्ट में करना है सब्जेक्ट का नाम, ठीक है, उसके बाद रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे सर्च करना है। फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन मांगना है बस 3 से 4 लाइन में ही लिखिएगा। फिर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आंसर कॉपी जो है आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही मिलेंगे ईमेल पे, ईमेल के माध्यम से, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ईमेल पे। फिर आपको क्या करना है कि वही RTI फॉर्म के नीचे में यहाँ पे जो रुपया लगेंगे वो यहाँ पे भरा जाएगा और रसीद संख्या सारा कुछ लिखा जाएगा। फिर आपको रसीद जैसा आपकी आपको मैं ऊपर दिखा चुका हूँ वो आपको काट के दे दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं जो ऑनलाइन यहाँ पे, जो हम जिस टाइम मेरा दोस्त RTI करवाया था, जिसके पास RTI का जो रिपोर्ट आया था, ठीक है, कॉपी भेजा गया था, मेल किया गया था, चलिए उसको देखते हैं किस प्रकार कॉपी भेजा जाता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ईमेल पे आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे भेजा जाएगा। इस नेम से आपको जब भी सर्च करना है तो इसी नेम से करना है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी RTI रिप्लाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिप्लाई जो किया गया था, फिर इस पे आप लोग सर्च करिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपको यही आपका कॉपी है PDF में भेज दिया गया। इसे चलिए हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार आप लोग जब ओपन करिएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी खोल के यहाँ पे रखा हूँ। तो देखिए सबसे जो ऊपर में आपका यहाँ पे दिया गया व्यू रिजल्ट स्क्रिप्ट डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे नेम सारा कुछ दिया जाएगा, सेमेस्टर ब्रांच सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा, फिर किस क्वेश्चन नंबर में कितने मार्क्स आपके मिले हैं वो सारा यहाँ पे लिखा रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिसमें आंसर नहीं मिला है यहाँ पे रॉन्ग आंसर लिखा रहेगा, जिसमें आपको नंबर मिला है उसमें नंबर लिखा रहेगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं आपका कॉपी कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर दोस्तों अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, टोटल मार्क्स, फिर BTech सेकेंड सेमेस्टर जो भी है सारा कुछ लिखा रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका ग्राफ रहेगा जो कि देख सकते हैं टिक किया हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नीचे आना है, देखिए यहाँ से लिखना हम शुरू किए थे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपका यहाँ पे लिखा गया। तो देखिए इतना लिखने के बाद भी यहाँ पे क्या किया गया, देखिए ये सारा काटा हुआ है, ठीक है, फिर जो पेज में नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार क्रॉस किया जाएगा। तो देखिए इनके साथ क्या हुआ कि ये अच्छा लिखे थे बट इनका देखिए मार्क्स कितना दिया गया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख ही लिए होंगे। तो इनका मार्क्स जो है वो 18 मार्क्स दिया गया और टोटल आप लोग देख सकते हैं कि 7 नंबर का 3 क्वेश्चन बनाए थे और तीनों में सही किया हुआ था, आप लोग देख ही लिए होंगे। 21 मार्क्स यहीं पे होता है, फिर ऑब्जेक्टिव का जोड़ा जाएगा तो अच्छा मार्क्स हो जाता है, बट इनको क्या किया गया 18 मार्क्स देके फेल कर दिया गया। फिर इनके द्वारा RTI किया गया और RTI करने के बाद फिर जो नेक्स्ट इवोल्यूशन कॉपी रीचेक के लिए भेजे तो उसमें से इनका जो मार्क्स है वो 35 मार्क्स आया और उसके बाद पास कर गए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच जो शेयर करना चाह रहा था आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।